दोस्तों, अभी तक हमने देखा ब्रोचिंग मशीन क्या होती है, ब्रोचिंग प्रोसेस क्या होती है, ब्रोचेस क्या होते हैं। मींस वो मास प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन रेट उसमें बहुत ज्यादा है। तो अब अपने को ये भी निकालना बहुत जरूरी है कि कितना मशीनिंग टाइम लगेगा फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि मशीनिंग टाइम ब्रोचिंग में कितना होता है, कैसे मशीनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं अपन लोग ब्रोचिंग में। उसके लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ब्रोचिंग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपन लोग, इंटरनल होल्स को इनलार्ज करने के लिए, होल्स को इनलार्ज करने के लिए। तो उसके टीथ कैसे रहेंगे, ऐसे ऐसे टीथ बढ़ते जाएंगे, लास्ट में टीथ जो रहेंगे वो एक जैसे हो जाएंगे, फिनिश्ड वाले। ये मान लीजिए ये अपना ब्रोचिंग टूल है, इसकी थिकनेस क्या है, ये टी। तो यहां तक अपने क्या है, रफ टीथ मान लेते हैं। यहां तक क्या है, सेमी फिनिश्ड, और इसके बाद फिनिश्ड। तो अपने को मशीनिंग टाइम निकालना है, तो मशीनिंग टाइम का हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मशीनिंग टाइम को मशीनिंग टाइम किससे डिनोट करते हैं, अपन ने अभी तक पढ़ा है टी एम से। तो मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ अपॉन इफेक्टिव लेंथ अपॉन कटिंग स्पीड, यही होता है। इसी से मशीनिंग टाइम आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस इफेक्टिव लेंथ कितनी रहेगी ब्रोचिंग में, ब्रोचिंग की मान लीजिए जो ब्रोच की लेंथ रहेगी वो लेंथ अपने को, वो ये पूरा ब्रोच क्या है, इस शेप वर्क पीस से जाके गुजरेगा ना, तो ये लेंथ पूरी अपने को कवर करनी है। साथ ही साथ जो वर्क पीस की थिकनेस है ये लेंथ को भी अपने को कवर करनी है। तो ये अपनी ये लेंथ प्लस ये लेंथ मिला के क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ, और कटिंग स्पीड से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, मशीनिंग टाइम ब्रोचिंग में कितना लग रहा है। अब थोड़ा सा इस ब्रोच के जो अपन लोग सिमेट्री है उसको देखते हैं। ये देखिए ये क्या है, दो टीथ के टॉप्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन लोग, पिच। क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को पिच बोलेंगे। अब ये टीथ इतना है, ये टीथ इतना हो गया, तो ये कितना उठा, कितना राइज हुआ, ये वाला टीथ कितना राइज हुआ, इसको बोलेंगे एच, राइज पर टीथ। एच क्या है, राइज पर टीथ, एच क्या है, राइज पर टीथ। अब अपने को डेप्थ ऑफ कट चाहिए, डेप्थ ऑफ कट कितना मिला, तो डेप्थ ऑफ कट कितना हुआ, जितना कि ये अंदर जाएगा, तो डेप्थ ऑफ कट यहां से ये इतना अंदर गया तो कितना मिला, यहां से शुरुआत हुई, मान लो यहां से शुरुआत हुई तो कितने अंदर तक जाएगा, ये यहां तक पूरा चल जाएगा, तीन तीथी है उसमें मान रहे हैं। तो अब ये अपने को क्या मिल गई, डेप्थ ऑफ कट, ये डेप्थ ऑफ कट मिल गई। अब डेप्थ ऑफ कट अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस, कैसे निकाल सकते हैं, एक टीथ कितना राइज हुआ, राइज पर टीथ इंटू नंबर ऑफ टीथ, राइज पर टीथ इंटू नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। यही इसी तरह से निकाल सकते हैं डिस्टेंस, एक टीथ कितना राइज हुआ इतना, दूसरा टीथ कितना राइज हुआ इतना, तीसरा टीथ कितना राइज हुआ इतना। तो जितना राइज हुआ पर टीथ और नंबर ऑफ टीथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्टेंस अपने को मिल जाएगी डेप्थ ऑफ कट। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, एन इंटू एच। तो डेप्थ ऑफ कट अपन लोग निकाल लिए, क्लियर है डेप्थ ऑफ कट कैसे निकाल रहे हैं। अब आप बोलोगे राइज पर टीथ जरूरी नहीं है कि क्या हो, हर टीथ के लिए अलग हो, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के टीथ है, रफ टीथ अलग है, सेमी फिनिश टीथ है और फिनिश टीथ अलग है। हाँ नहीं होंगे अलग अलग, लेकिन रफ टीथ में जो राइज पर टीथ होगा वो सेम अपन लोग मान के चलते हैं, सेमी फिनिश टीथ में की जो कैटेगरी में टीथ होंगे उसमें जो राइज पर टीथ होगा वो भी अपन मान के चलेंगे, और फिनिश टीथ में तो राइज होगा ही नहीं, वो क्या करेगा, सिर्फ फिनिशिंग ऑपरेशन करेगा। तो अब ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ मान लो रफ टीथ की लेंथ, ये लेंथ कितनी हो गई, सेमी फिनिश टीथ की लेंथ, और ये लेंथ कितनी हो गई, फिनिश
फिनिश टीथ की लेंथ। तो मशीनिंग टाइम कितना हो जाएगा अपना, मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया इफेक्टिव लेंथ, इन तीनों को जोड़ दे प्लस इसको जोड़ दे तो अपने को इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा, टी प्लस एल आर प्लस एल एस प्लस एल एफ। ये अपने को क्या मिल गया, मशीनिंग टाइम मिल गया। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, कटिंग स्पीड बी से, तो अपने को क्या मिल जाएगी, मशीनिंग टाइम। टी तो अपने को पता है, टी थिकनेस अपने को देख रखेगा। अब अपन लोग एल आर एल एस और एल एफ निकाल लें तो अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। एल आर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, एल आर कैसे निकाल सकते हैं अपन लोग, पिच पता है, दो टीथ के बीच की दूरी कितनी है पिच, उसको नंबर ऑफ टीथ से मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस मिल जाएगी, ये है पिच, इसको नंबर ऑफ टीथ से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टीथ की। तो एल आर में नंबर ऑफ टीथ किससे निकालेंगे अपन लोग, डी बाय एच, ये क्या दे दिया अपने को, नंबर ऑफ टीथ और उसकी पिच कितनी है पिच, पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को एल आर मिल जाएगा। तो अब एल आर जो रहेगा उसमें उसका जो डी आर रहेगा और उसका जो एच आर रहेगा वो भी अलग रहेगा, जो रफिंग टीथ का रहेगा हाइट राइज पर टीथ वो सेमी फिनिश टीथ का अलग रहेगा, फिनिश टीथ का अलग रहेगा, लेकिन एल आर में सब में सेम है। तो पिच भी जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, सलगे टीथ की अलग अलग, मतलब ये टीथ जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं, रफिंग टीथ, सेमी फिनिश टीथ और फिनिश टीथ। रफ टीथ में राइज पर टीथ रहेगा एच आर, सेमी फिनिश में राइज पर टीथ क्या रहेगा एच एस, और पिच कितनी रहेगी रफ टीथ में पी आर, पिच इसमें कितनी रहेगी पी एस, इसमें पी एफ। तो इस फॉर्मूले से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ रफिंग टीथ, रफ टीथ की जो लेंथ है अपन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अपने को क्या निकालना है, सेमी फिनिश टीथ की क्या निकालनी है अपने को, लेंथ निकालनी। तो वो कैसे निकालेंगे, डी एस अपॉन एच एस इंटू पी एस, इस तरह से अपन लोग निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या मिल गई, रफिंग टीथ की लेंथ और सेमी फिनिश टीथ की लेंथ मिल चुकी है। अब अपने को क्या मिल जाए, फिनिश टीथ की लेंथ कितनी है वो मिल जाए, तो अपन लोग क्या करेंगे, यहां पर रख के मशीनिंग टाइम निकाल लेंगे। अब पिच सेमी फिनिश टीथ में, फिनिश टीथ में ध्यान दीजिएगा, राइज पर टूथ मतलब एच कुछ भी नहीं है, जनरली सेमी फिनिश टीथ में एच राइज नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, फाइनली जो शेप साइज मिल चुका है उसको एक बार मशीनिंग कर देता है फाइनली। तो इसमें क्या होता है, राइज कुछ भी नहीं होता, तो राइज वाला ऑप्शन नहीं है। तो क्या अब मन लोग काउंट करेंगे फिनिश टीथ कितने हैं, मतलब एन एफ इंटू फिनिश टीथ की उनके बीच की पिच कितनी है पी एफ, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे एल एफ, तीनों को पुट करेंगे यहाँ मशीनिंग टाइम में, थिकनेस अपने को पता है, कटिंग स्पीड पता होगी, तो अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, मशीनिंग टाइम कितना है किसी ब्रोचिंग मशीन में, ब्रोचिंग ऑपरेशन में पहले आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा करना क्या है, जो टीथ है उनको तीन सेक्शन में मानो, तीन प्रकार के टीथ है, तो उनकी सारी डिटेल्स जो है अलग अलग अपने को लेके चलनी है, अलग अलग कैलकुलेशन करना है, बाद में इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो अपना मशीनिंग टाइम बड़े इजिली ब्रोचिंग का निकल के आ सकता है। फिनिश टीथ में अपने को ये देखना है कि जो राइज हो रहा है, फिनिश टीथ में कोई भी राइज नहीं होगा, जो अगला टीथ आएगा मान लो फिनिश है तो वो भी यहीं पे रहेगा, कोई राइज नहीं होगा, तो उसमें राइज नहीं है, तो अपन लोग डी और एच कुछ नहीं रहेगा उसमें, तो सीधे डायरेक्ट नंबर ऑफ कट टीथ पता होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दे भी दिया है तो इसी मेथड से आप निकाल लीजिएगा। आई होप मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन ब्रोचिंग ऑपरेशन में कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।